प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा है कि इस महिला दिवस पर इस दिन मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नारी शक्ति को समर्पित है जिनका जीवन प्रेरणा है सभी लोगों के लिए, ऐसी नारी शक्ति को समर्पित उनका सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर उनकी ये बेहद अहम राय आई और उन्होंने कहा कि अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हो तो उनके स्टोरीज साझा करें #SheInspiredUs के नाम से और इस हैशटैग पर लगातार आपके पास भी अगर किसी तरह की इस तरह से प्रेरणादायी खबरें हैं स्टोरीज हैं तो वो आप ट्वीट करें। और ये बेहद अहम ट्वीट, इससे पहले रविवार को संकेत उन्होंने ये दिया कि वो सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ सकते हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, पीएम का अब ये एक नया ट्वीट, महिला दिवस का खास तौर पर जिक्र, किस तरह का संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री की ओर से? देखिए बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है और जैसा कि हम लगातार जिस समय प्रधानमंत्री का ट्वीट उसके बाद से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर जो बातें उन्होंने लिखी हैं उसको शाब्दिक अर्थ नहीं देखा जाना चाहिए और उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो आज निकल करके आया है। प्रधानमंत्री जिन्होंने सोशल मीडिया को इतना बड़ा टूल बनाया सरकार और जनता के बीच में, और वो जब ये कह रहे थे कि निश्चित तौर में उसमें कुछ चीजें छिपी हुई थी है कि महिला दिवस, क्योंकि महिला दिवस महिलाओं के अधिकार, उनकी समानता, उनकी बेहतरी के लिए पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और उस दिन महिलाओं की जो सफल कहानियां हैं, जो सफल महिलाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों की, उनकी कहानियां सामने आएंगी और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के जो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल हैं उनको दिए जाएंगे। और ये भी जनता से उन्होंने कहा है कि अगर आप इस तरह की महिलाओं को जानते हैं तो आप टैग के साथ ट्वीट कीजिए ताकि वो उन जानकारियों को भी उस दिन शेयर किया जा सके। तो निश्चित तौर पर महिलाओं की तरक्की, उनके उनको आगे बढ़ाने के काम मामले में एक ये बड़ा कदम है सर प्रधानमंत्री की तरफ से और वो जानते हैं कि इसमें जनता को जोड़ा जाए और पब्लिक संदेश जाएगा तो इसका काफी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। और 8 तारीख को महिला दिवस से अच्छा मौका इसके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपने जो स्वभाव है उनका उसी तरीके से आश्चर्यचकित करते हुए एक बात लिखी, उस पर पूरा कौतूहल बना रहा और उसके बाद अब उन्होंने ये साफ किया है कि किस लिए उन्होंने ऐसा लिखा था और क्या चीज सोच करके वो ये कर रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में भी लिखा है, योर चांस टू टेक ओवर नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया अकाउंट फॉर ए डे, यानी एक दिन के लिए नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट टेक ओवर करने का मौका आपके पास है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि हैशटैग के साथ अगर आप ऐसी किसी नारी शक्ति की प्रेरणादायी स्टोरी को जानते हैं तो वो भी आप साझा करें, पूरी दुनिया को बताएं जिससे सभी को प्रेरणा मिलती है। लेकिन इससे पहले उन्होंने जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ देने के संकेत भी दिए थे उससे जुड़ी ये बेहद अहम बात भी, लेकिन विक्रांत उन्होंने जो बात कही है कि हैशटैग शी इंस्पायर्स अस के साथ में आप अपनी स्टोरीज भी साझा कर सकते हैं अगर आप किसी प्रेरणादायी स्टोरी के बारे में जानते हैं, किस तरह का संदेश इस खास तौर पर इस बात से देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री की ओर से समाज को? देखिए बिल्कुल एक बड़ा संदेश है क्योंकि महिला दिवस जो है ये इस बात की याद आता है कि महिलाओं के अधिकार, उनकी समानता के अधिकार, बराबरी के अधिकार, इन सब के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हम लोग अक्सर कहते हैं लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो देश की संसद हो या बाकी चीजें हो, अभी तक वो जो बराबरी का अधिकार की बात की जाती है वो पूर्ण नहीं हो पाया। और एक तरह से महिलाओं की अगर सफल स्टोरी सफलता की काम और कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने बूते पर समाज में सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर जी बिल्कुल विक्रांत, तो साफ तौर पर जिस तरह के इससे पहले ट्वीट आए प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिए कि क्या सोशल मीडिया अकाउंट अब वो छोड़ देंगे और लगातार कई हैशटैग ट्रेंड भी कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि एक दिन के लिए वो चाहते हैं कि नारी शक्ति को समर्पित हो ये सोशल मीडिया अकाउंट, महिलाएं नारी शक्ति टेक ओवर करे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया उनका अकाउंट है। और उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि अगर आप इसी तरह से किसी भी प्रेरणादायी खबर के बारे में जानते हैं, कोई ऐसी स्टोरी आपके पास में है जिससे पूरी नारी शक्ति का संदेश पहुंच सकता है दुनिया तक, तो वो आप साझा जरूर करें #SheInspiresUs के नाम से। और उन्होंने कहा है कि ये एक दिन मौका होगा जब प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट टेक ओवर किया जा सके, लेकिन साफ तौर पर जिक्र उन्होंने नारी शक्ति का किया है। विक्रांत, दरअसल क्या इससे पहले का जो ट्वीट था वो आज के इसी बात को रखने का एक सिलसिला था ये माना जाए?
देखिए बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल अपना ट्वीट किया था वो निश्चित तौर पर चौंका रहा था, और जिस तरीके का उनका पहले भी कई चीजों में हमने देखा कि जब वो कोई बात इस तरीके की करते हैं तो उसमें चौंकाने वाला तत्व जरूर होता है, और कल से ही कई तरह के कयास लग रहे थे। लेकिन लगातार हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो लिखा है उसके शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने अगर कोई बात लिखी है तो वो काफी सोच समझ के लिखी होगी और उसके पीछे कोई ऐसी चीज होगी जो आपको चौंकाएगी। जब बिल्कुल ऐसा ही इस मामले में भी हुआ, और जिस तरीके से 8 तारीख चूंकि रविवार को महिला दिवस है और महिलाओं की बेहतरी के लिए उन प्रेरक महिलाओं की अगर कहानियां जनता के बीच में आएगी तो निश्चित तौर पर उससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता, और उससे बेहतर कोई ट्विटर हैंडल या कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं हो सकता। अगर प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को उसे वो सब जारी होंगी, और ये बाकायदा कहा गया है कि जो भी महिलाएं या इस तरह की कहानियां अगर किसी को पता है तो वो हैशटैग के साथ भेजें ताकि उस दिन उसको समाहित किया जाए। तो एक तरह से उस दिन के लिए प्रधानमंत्री के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं वो सफल महिलाओं के हाथ में रहेंगे और उनकी कहानियां जनता के बीच में जाएंगी, तो निश्चित तौर पर समाज में एक सकारात्मक प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। जनता के बीच वो सब कहानियां पहुंचेंगी जो अभी तक चंद लोगों को इसकी जानकारी है, और ये पता चलेगा किस तरीके से महिलाएं अपने बूते पर समाज में परिवर्तन के बड़े बड़े काम कर रही हैं। और बहुत से और ऐसे हैशटैग हैं जो ट्रेंड कर रहे थे, नो सर प्लीज सर के नाम से भी, जब उन्होंने ये संकेत दिए कि वो सोशल मीडिया छोड़ देंगे और वो इसकी ऐसी इच्छा रखते हैं। लेकिन क्या अब ये वो लोग जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सोशल मीडिया ना छोड़ें, वो तो खुद प्रेरणा थे सोशल मीडिया पर आने के लिए लोगों को, उनके लिए ये खुशखबरी हो सकती है क्योंकि अब इस पूरी बात पर से पर्दा उठ चुका है जो प्रधानमंत्री दरअसल कहना चाहते थे मूल रूप से? विक्रांत देखिए बिल्कुल प्रशांत, एक चीज तो जो प्रधानमंत्री चाहे वो कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने सोशल मीडिया को एक बड़े टूल के रूप में इस्तेमाल किया है सरकार और जनता के बीच में एक संपर्क के रूप में, और उन्होंने जब 2014 में पहली बार सरकार बनाई, केंद्र की सरकार बनाई, उसके बाद भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम केंद्रीय मंत्री तमाम अधिकारी जिसको लगातार सोशल मीडिया पर जी दे। तो प्रधानमंत्री के इस ट्वीट से साफ हुआ है कि उन्होंने इससे पहले जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रविवार को मैं इस बात को सार्वजनिक करूंगा कि मैं सोशल मीडिया अकाउंट अपने छोड़ना चाहता हूं, लेकिन आज का ये ट्वीट बेहद खास है, और जिस तरह से माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर चौंकाने वाली बात सामने रखते हैं, ये बात सामने आई है कि वो एक दिन के लिए यानी 8 तारीख को महिला दिवस को समर्पित करना चाहते हैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट, और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर आप किसी भी प्रेरणादायी नारी शक्ति की कथा को जानते हो, ऐसी कोई स्टोरीज आपके पास हो, ऐसे लोगों का चरित्र आपको पता हो, तो उस कथा को उस स्टोरी को पूरी तरह से साझा करें। हैशटैग भी उन्होंने बताया कि आप इस पर दुनिया के सामने उस नारी शक्ति को सामने ला सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। विक्रांत, लेकिन क्या अब एक तरह से ये खुशी की बात उन लोगों के लिए जो कुछ नर्वस फील कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें वो सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने की अपनी तरफ से बात रख रहे थे कि वो दरअसल एक दिन के लिए ये बात रखना चाह रहे थे? प्रशांत देखिए, प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया के नजरिए से अगर हम देखें तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के अलग अलग जो फॉर्म हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब की फेसबुक हो, इन सब की बात करें तो निश्चित तौर पर उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है और देश दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं। तो इसी कारण जब उन्होंने जो ट्वीट किया और उसके शाब्दिक अर्थ पर जो लोग गए, निश्चित तौर पर उनके समर्थकों में एक मायूसी आ गई थी, उन्हें लगा कि जो लिखा है प्रधानमंत्री ने अगर वो हुआ तो वो काफी खराब होगा, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं बड़ी संख्या में जो केवल प्रधानमंत्री के कारण ही सोशल मीडिया पर आए, और उन लोगों ने जब शाब्दिक अर्थ उसका जाना समझा तो उन्हें ये डर जरूर हुआ था। लेकिन अब चूंकि एक सुखद अनुभव होगा कि जब प्रधानमंत्री के ट्विटर के जरिए ही ये साफ हुआ कि वो केवल एक दिन के लिए है, और एक तो दिन उन लोगों में एक मायूसी भी थी जो पीएम मोदी के फॉलोअर थे या उनके प्रशंसक थे जब इस तरह का संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, लेकिन आज उस पर से पर्दा हट गया कि वो एक दिन यानी 8 तारीख को समर्पित करना चाहते हैं महिला दिवस को अपना सोशल मीडिया अकाउंट। लेकिन इससे पहले पिछले साल जब अभिनेता अक्षय कुमार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें खास तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगाव को जाहिर भी उन्होंने किया था, किस तरह का जवाब उन्होंने दिया अपने दर्शकों को हम एक बार सुना दें। मोदी जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा जमाना है, एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम या सारी चीज़ें आप देखते हो? सर मैं जरूर देखता हूँ, और एक प्रकार से
उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी, उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा। हाँ। इसलिए आपको बड़ा बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगों को? बिल्कुल, मैं पढ़ता भी हूँ और मज़ा लेता हूँ। आपको वैसे मैं जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? वैसे आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है, इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, हमारे मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे आपसे मिले, तो सबके यहाँ लगा दिया है जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने। तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, बीट्स नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, ये बड़ा मजा आता। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है, मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोचते हैं। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा। वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज़ होती थी जी, 5-star फूड जैसा होता था, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है।